अगर कोई भी शो चल रहा होता है तो उस शो में जो मेन लीड एक्टर एक्ट्रेस है उसको अलग से हाईलाइट करने की, मेकर्स की, राइटर्स की, डायलॉग राइटर्स की, डायरेक्टर्स की, सबकी मतलब नजर होती है, उनका मेन फोकस होता है इनको अलग से हाईलाइट करना। धर्मपत्नी एक ऐसा शो है जहां पे एक्ट्रेस को हाईलाइट ही नहीं किया जाता, जो मेन लीड एक्ट्रेस है उसकी बहन ने इतने लाजवाब कपड़े पहने हैं, इतनी लाजवाब लग रही है। प्रतीक्षा को देखो, उसके आसपास भी नहीं है, उससे ज्यादा अच्छे तो काव्या लग रही है। पता नहीं क्या यहाँ पर काव्या से ये लोग मैच करवा रहे हैं प्रतीक्षा का, तो प्रतीक्षा को तो काव्या से भी लाख गुने अच्छे कपड़े और अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रही। क्या काव्या ने भी पीले रंग की वो पहनी हुई ड्रेस, प्रतीक्षा ने पीले रंग का दुपट्टा डाल रखा है। मतलब चीजें सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं जा रही। और ये कई बार हो चुका है कि एक्ट्रेस को साइड कर दिया गया है, ठीक है, उसके साइड एक्टर्स जो है उनको ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शादी के टाइम पे था, शादी के टाइम पे देखा हम लोगों ने कि प्रतीक्षा कुछ बोल ही नहीं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं सब के सब। उसके बाद जब प्रतीक्षा यहाँ पे रवि की जब शादी हुई थी काव्या से, उसकी जगह काव्या की जगह जब प्रतीक्षा आके बैठ गई थी, तब भी प्रतीक्षा शांत थी, उसकी पूरी फैमिली उसका साथ दे रही थी, बोल रहे थे। प्रतीक्षा ने फिर अचानक से एक दो जो वो बाल डालो, बात खत्म। तो ये चीज सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, और ये लगातार होता चला आ रहा है। पता नहीं कि क्या अभी ये लोग किंजल पे फोकस कर रहे हैं, यही मुझे लग रहा है, पता नहीं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इसके अलावा एक जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि आदि और किंजल का जो ये एक नया आर्क चल रहा है लव एंगल का, वो बहुत ज्यादा क्यूट और स्वीट लग रहा है। तो जिस तरीके से आदि देखता है और जिस तरीके से किंजल से बात करने की कोशिश करता है, किंजल बोलती है ओके बाय एक्सक्यूज मी, ये सब चीजें मुझे पसंद आ रही है, पर्सनली मुझे पसंद आ रही है। एंड आई होप कि आने वाले टाइम में इनका ये जो लव एंगल है थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा और भी ज्यादा क्रिएटिव टाइप का हो तो और ज्यादा मजा आएगा। बाकी भाई देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये चीज मुझे पसंद आ रही है, पर्सनली बताऊं तो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, प्रतीक्षा और जो वो है काव्य जब आमने सामने आ चुके हैं, ना लड़े भिड़े हो ही सकता, वही फिर क्या था, लड़ भी रहे हैं या भिड़ भी रहे हैं। अब लड़ भिड़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं लड़ाई भिड़ाई जो हो रही है, बढ़िया एंटरटेनिंग लड़ाई भिड़ाई होती है, ऐसा नहीं कि बोरिंग लड़ाई भिड़ाई, नहीं एंटरटेनिंग लड़ाई हो रही थी, और इसमें भाई देखने में मुझे तो बड़ा मजा आता। जिस तरीके से काव्य और प्रतीक्षा दोनों के दोनों मतलब लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक बात बोलूँगा, प्रतीक्षा के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा निखर कर आए थे, हाईलाइट हुए। अब उसका कारण मेकअप था या फिर प्रतीक्षा की एक्टिंग इतनी ज्यादा रैपिडली मतलब प्रोग्रेस हुई है, इतनी ज्यादा मतलब अच्छी हुई है, ये मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, इस पूरे की पूरी लड़ाई वाले सीक्वेंस में प्रतीक्षा के जो एक्सप्रेशंस थे भगवान कसम बहुत ज्यादा मस्त थे, बहुत ज्यादा लाजवाब थे। एंड आई होप कि अगर ये एक्टिंग के अंदर इतना ज़्यादा चेंज आया है तो ये चेंज बरकरार रहे, चेंज कम ना हो, खत्म ना हो बस, क्योंकि अगर ऐसा चेंज नहीं आएगा, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मज़ा आएगा शो देखने में। रवि आदि और किंजल का ये जो लव एंगल, उसको देख के खूब मजे ले रहा है, बहुत ज़्यादा मजे ले रहा है। अब यहाँ पे भाई रवि के पापा रवि की मम्मी भी रोमांटिक हो गए हैं, तो यहाँ पे रवि की मम्मी बोलती है रवि के पापा से कि ढोल वाले दिए कब तक आएंगे, तो वो बात करते कहीं बोलेंगे अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तब तक भाई आदि आता है, बोलता है कि चलो हम लोग खेलते हैं कौन सा डांसिंग चेयर होता है ना, ठीक वो। अब यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे आइडिया और आइडिया के सब मान गए, वो तो देखने में और भी ज्यादा मुझे मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया था। और यहाँ पे जो मॉनिटर बना आदि और रवि ने, आप बोला कि तो अभी आज तक कभी क्लास का मॉनिटर नहीं बना, इसका मॉनिटर बनेगा, तो वो और भी ज्यादा मुझे मजेदार लगा। बट बात ये है कि अब इस टास्क का जो मतलब विनर होगा उसको क्या मिलेगा, इसके बारे में बात हुई। तो भाई काव्या का तो ऑब्सेशन रवि से कितना ही तुम सब जानते हो, उसे बोल दिया रवि से, हाँ वो रवि को हकेगा, रवि उसको हकेगा ही भाई, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो गेम है वो आके प्रतीक्षा वर्सेस
काव्या होगा, लेकिन देखते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं होता। और जिस तरीके से प्रोमो देखने को मिला उसमें तो ऐसा लग रहा है कि रवि और प्रतीक्षा एक दूसरे को हक करेंगे बस, और काव्या का ये प्लान फिर से फेल हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं अब आने वाला एपिसोड कैसा होता है कैसा। लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे ये एपिसोड पसंद आया, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और धर्म पत्नी के आने वाले एपिसोड को लेकर क्या राय है, क्या ये एपिसोड और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं या फिर अट्रैक्टिव हो पाएंगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से धर्म पत्नी के आने वाले एपिसोड के रिव्यूज़ कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट।